देखिए अभी एक चलो खतरनाक स्टंट करो। ये गजब आज का जो ब्लॉग है काफी मजा आने वाला है, क्योंकि जो अभी कटपीस आपने देखा वो है हमारे पड़ोसी गांव लहना का जलचक्र। एक समय सुर्खियों में था, फिलहाल अभी चलते हैं वहां का ब्लॉगिंग करते हैं। अभी का मौसम में क्या है, क्या लुकिंग है, तो फिलहाल जल्दी जाना है क्योंकि अपना बाइक नहीं है। अंकल से कुछ बहाना मार के मांग लिया हूँ बाइक, अंकल भी सीधे साधे हैं, दे दिए बाइक और फिलहाल चलते हैं। और रोड का वीडियो आज नहीं दिखाएंगे क्योंकि रोड में पुलिस वाले एकदम घूम रहे इधर उधर, तो डंडा मार खाने से अच्छा सीधे पॉइंट पे आते हैं। चलिए गाड़ी हमें यहीं खड़ा करना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग अपने जगह पर पहुंच चुके हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं वही जलचक्र लहना में, और अभी गाड़ी यहीं पार्क करते हैं। यहां से थोड़े से दूर 200 मीटर शायद होगा दूर, वहां भी हम लोग को जाना है। हम लोग का पैदल यात्रा शुरू हो चुका है। देखिए यहां पे देखिए पानी स्टोर हो जाता है। देखिए इधर भी व्लॉगिंग करने वाले कुछ कुछ बंदे जा रहे हैं। काफ़ी फेमस हो गया है ना प्लेस, जिसकी वजह से मतलब ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। और बरसात के दिनों में तो यहाँ पे मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती है। एक यूट्यूबर है स्मिता सेन, वो यहीं फेमस हुई है। चलो तो देख सकते हैं ये देसी कुंबा है और कितनी बारीकी से बनाई गई है। देख सकते हैं हमारे इंडियन जो फार्मर हैं उनके ये है। देखिए कुछ सब्जियां यहाँ सेफ रखते हैं, यहाँ मोटर भी सेफ रहता है। और आगे फिर चलिए, अगर यहाँ पूरे बरसात के मौसम में आइएगा जैसे जुलाई अगस्त में, तो मतलब इस ये सब खेत जो खाली दिख रहा है उसमें मतलब धान का खेती होता है। अभी तो मतलब वो दो दिन पहले थोड़ी पानी आई है जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ का ज़मीन गीला है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। जिस जगह का इंतज़ार था हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी तो मस्ती बनती है। मज़ा आ रहा है, एकदम वहीं पे एकदम खड़ा है और मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि यहाँ बहुत ही क्राउड है। मतलब पानी का साउंड इतना ज़्यादा है कि कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। कुछ गांव के लोग नहा रहे हैं, एकदम मस्ती कर रहे हैं, ऊपर से तो एकदम कूद जा रहे हैं कुछ कुछ लोग। पानी दूर दूर से आती है और इस मतलब जलचक्र में घुसते और निकलने का इसका किधर है मैं अभी बताता हूँ। इधर देखिए 50 मीटर की दूरी पर है इधर। एक समय तो ये इतना फेमस था कि मतलब ये अखबार की सुर्खियों पे भी आ चुका था। जलचक्र से थोड़ी ही दूर पर एक बांस का बहुत ही खूबसूरत पुल बना हुआ है, ओल्ड मॉडल वाला एकदम। तो वापस आ रहे थे घर, बहुत ही खूबसूरत लगा इसीलिए यहाँ फोटो शोटो हो रहा है।